बच्चों आपके सामने एक अच्छी सफलता कैसे प्राप्त होती है, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा का क्या महत्व होता है, इसको लेकर के एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपके बीच में आपके जीवन के लिए जो प्रेरणादायक साबित होगी वो बता रहा हूं। एक विद्यार्थी जो बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाएं देता था, हर परीक्षा में बहुत अच्छी मेहनत करता था, लेकिन अंतिम प्रयास में वो असफल हो जाता, अंतिम प्रयास में वो वापिस मुड़ जाता, निराश हो गया। और निराश होने के बाद में उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो पहले विद्यार्थी अपने सुप्रात बहुत अच्छे विद्वान थे, राजनीतिक थे, उनके पास में पहुंच गया और कहा कि गुरुजन मैं अपने जीवन में बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाएं देता हूं, बहुत से कार्य करने की सोचता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन अंतिम पड़ाव में मैं सफल हो जाता हूं, कृपया मुझे मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वे ऑफ सक्सेस बताइए कि ऐसा मेरे अंदर क्या कमी है। तो सुप्रात ने कहा कि बेटा आप कल सुबह नदी किनारे आइए, मैं आपके रहस्य को वही बताऊंगा कि आपके अंदर क्या कमी है। विद्यार्थी सुबह नदी किनारे पहुंच गया, वही सुप्रात जी नहाने जाते थे। जैसे उन्होंने विद्यार्थी को कहा कि आप पानी के अंदर चलिए, विद्यार्थी पानी के अंदर गया, पहले आधा हिस्सा डूबा, फिर नदी की गहराई में। उसने कहा कि आप गहराई की तरफ जाइए, विद्यार्थी थोड़ा संकोच किया, लेकिन गुरु की आदेश थी, उस समय गुरु के आदेशों का पालन होता था, क्योंकि जान की परवाह नहीं होती थी, उस समय सिर्फ गुरु के आदेशों की पालना होती थी, आगे आप क्या होगा इसकी परवाह गुरु करते थे। गुरु ने कहा आप और गहराई तक जाइए, विद्यार्थी पानी की गहराई तक गया, उस समय बाद पानी में मुंह डूब गया। गुरु जी ने कहा अभी रुके मत, और आगे जाइए, विद्यार्थी और आगे गया, नाक तक डूब गया, सिर्फ आंखें बाहर थी। सुप्रात जी पीछे से गए और विद्यार्थी को पानी में ताकत से डुबो दिया, विद्यार्थी छटपटाया, लेकिन सुप्रात जी ताकतवर थे, उसे कुछ समय तक पानी के नीचे डुबो के रखा। विद्यार्थी और जोर से छटपटाया, छुटाने की कोशिश की, और अंत में छुटा करके वो पीछे बाहर आ गए। तो उसने कहा गुरुजी मैं इससे क्या समझूं? उसने कहा कि जीवन में जब तक आप गहराई तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे।